मालखा विधानसभा के सभी कॉलेज में छात्र छात्राओं के वोट बनाने का चलाया जाएगा एसडीएम। मालखा अश्वनी मलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि मालखा क्षेत्र सीमा में 7 कॉलेज आती हैं, जहां पर बीएलओ की ड्यूटी लगाकर सभी कॉलेज में वोट बनाने का अभियान चलाया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि इसमें दूसरे राज्य के छात्र छात्राओं के भी वोट बनवाए जाएंगे। एसडीएम ने बताया कि यह एक स्पेशल वोट बनाने का अभियान है, जिसमें मालखा के 5 कॉलेज में दूसरे राज्य और जिलों के छात्र 17 यहां पर पढ़ते हैं, उनकी भी वोट बनाई जाएगी और उनका डाटा संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दिया जाएगा और उनकी वोट वहीं पर बन जाएगी। कॉलेज में जो हमारे यहां लगभग 7 कॉलेज हैं और एक बड़ा कॉलेज है पाइट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसमें बच्चे बाहर दूसरे स्टेट्स के भी बच्चे आते हैं, तो आज सभी कॉलेज की मीटिंग थी कि जो हमारे एलिजिबल बच्चे हैं वोट बनवाने के लिए 1-1-2022 को, उन सभी की वोट बनवाई जाए। और इस बारे में हमारे जो संबंधित बीएलओज हैं वो भी कॉलेज में संपर्क करेंगे, तथा चूँकि कॉलेज जाने वाले बच्चे जो टेक्निकल सेवी हैं उनको लिंक भी प्रोवाइड किया करा दिया गया है एनवीएसपी का, नोटल नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल का, जहाँ से वो फॉर्म 6 अपना भर के जो चेकलिस्ट है क्वेरी वो भर के हमें भेज सकते हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा जो दूसरे स्टेट्स के जो बच्चे हैं तो उनकी जो वोट बनाने की एप्लीकेशन है वहाँ के सीईओ को, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भेज देंगे, और हमारे हरियाणा के जो दूसरे जिलों के जो बच्चे हैं उनका हम वहाँ के डीओ को भेज देंगे, ताकि उनकी वोट उन्हीं के स्थान पर बनाई जा सके। एसडीएम ने छात्र छात्राओं से अपील की कि वह इस अभियान को सफल बनाने के लिए अपने वोट जरूर बनवाएं। मालखा से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट।